इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इस्लामी अंजुमन डिस्ट्रिक्ट को हम हमारे तरफ से समा एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से हमने आज गाड़ी भेज दी है। और अंजुमन इस्लाम जो काम कर रहा है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सब जात धर्म को लेके जो काम चला है इसके लिए हम खुशी से, हमारा भी काम चालू था हमारे फाउंडेशन की तरफ से, फिर भी हमारी ताकत वहाँ तक जाके पहुँच रही नहीं थी। कुछ लोगों को सिलेंडर का इसका उसका प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए हमने सोचा कि अंजुमन हमारे राजू सेठ जी है, इनका काम देख के हमने सोचा, हम सब हमारी कमेटी में बात करके लिए, लेने के बाद सब लोगों की राय निकली कि सेठ को जाके हम मिल के ये अंजुमन को हम हमारी तरफ से गाड़ी भेंट देंगे, और इससे ज़्यादा अंजुमन काम करे इसके लिए हम आके इनको ये गाड़ी भेंट दे रहे हैं। उज्ज्वल नगर के शबा एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इनकी कमेटी ने अंजुमन इस्लाम बेलगाम के लिए एक एम्बुलेंस का डोनेट किए हैं, ये लोगों के काम आए, और हर जाति और धर्म के लोग जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता है ये इसका फ़ायदा उठाए। और अंजुमन इस्लाम जो इसे के पहले पिछले एक साल से कोविड पेशेंट्स के लिए काम कर रहा है, ये हमारे को एक सहूलत होगी बढ़ चढ़ के काम करने के लिए। मैं इनका और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज अंजुमन के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। हमारे उज्ज्वल नगर के जो शमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर्स आए, आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर अंजुमन को एक बड़ी गिफ्ट, मतलब अपने तौर पर एक एम्बुलेंस उन्होंने लॉन्च किया था। वो काम हमारा अंजुमन का देखने के बाद, हमारी भागदौड़ देखने के बाद, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, तो आज वो लोगों ने एक बड़ा फैसला लेकर अंजुमन आकर ये एम्बुलेंस हमको उन्होंने तोहफे में दिया है। आज अंजुमन को डोनेट किया है शमा फाउंडेशन की तरफ से, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज इसी तरह सब जन बेलगाम के सब लोगों जान चुके हैं कि अंजुमन क्या काम कर रही है, हर एक के दिल में अंजुमन उतर गई है, और इसी तरह सब जन अंजुमन को आगे बढ़ाए, सब मिलजुल कर काम करें। हम देख रहे हैं लोग इतने मर रहे हैं, 24 घंटे में 12-15 ऐसे मर रहे हैं। आप घर के अंदर अपने फैमिली को संभालो, अपने बच्चों को संभालो,